नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम अश्वचक्र और गज चक्र पर बात करें, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका उपयोग क्या है, तो उसके बनाने की विधि जो है तो देखेंगे कि जो है आगे वीडियो में आपको बनाए। लेकिन वो देखा किस लिए जाता है, वो ये है कि उसको पुरातन समय में राजे महाराजाओं के समय में युद्ध के लिए अपनी सुरक्षा के लिए उनका उपयोग किया जाता, 28 नक्षत्र को स्थापित किया जाता था और फिर शनि का गोचर उस पर देखा जाता था। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे यात्रा आदि देख सकते हैं। आज के समय में देखें तो जो मंत्रीगण हैं या जो विशेष लोग हैं वो शपथ ग्रहण जो होती है उसको ले सकते हैं, राज्याभिषेक जो होता है इसको, मुकदमे लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी आदि में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इनका निर्धारण किस प्रकार से होता है। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम गणपते ही नमः। अश्वचक्र में जैसे पृथ्वी का भूषण मेरु पर्वत है, रात्रि का भूषण चंद्रमा, इसी प्रकार से मनुष्य का भूषण जो है उसकी विद्या है। ऐसे ही सैनिक या युद्ध में अश्व चक्र भूषण है, ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया। पहले समय में राजे महाराजाओं के समय में युद्ध अक्सर घोड़ों पर हाथियों पर इस प्रकार से लड़े जाते थे। शनि दुष्ट स्थान में हो तो उस समय युद्ध नहीं किए जाते थे, कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं किए जाते थे, जैसे पटबन अभिषेक यात्रा, ये सब कार्य उस समय नहीं होते थे। जो राजा अश्वचक्र निरीक्षण का कार्य करता था, शत्रु उससे डरते थे। तो अब ये अश्वचक्र बनता कैसे है, इसको हम समझते हैं। घोड़े के आकार का चित्र बनाकर उस पर मुख से पैर तक नक्षत्र रखे, यानी कि 28 नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र सहित अश्वनी से शुरू करके उनको स्थापित करना है और फिर चक्र में मुख पर स्थित नक्षत्र से गिने, शनि जिस नक्षत्र पे हो जिस अंग पर पड़े उसके अनुसार इसके फल को समझना चाहिए। तो इसको किस प्रकार से स्थापित किया जाए, सो मुख पर दो तारा दो नक्षत्र रखें, नेत्र पे दो नक्षत्र रखें, कान पर दो नक्षत्र रखें, मस्तक पर दो नक्षत्र रखें, पूंछ पे दो नक्षत्र रखें, चारों पैरों पे दो दो नक्षत्र, यानी कि कुल 8 नक्षत्र रखें, पेट पर 5 नक्षत्र रखें तथा पीठ पर 5 नक्षत्र रखें। शनि पर, नेत्र पे, कान पे, मस्तक पे आए तो शत्रु सेना का नाश होता है, विजय प्राप्त होती है, शत्रु वश में होते हैं। और यदि शनि पूंछ पर, पैर पे, पेट या पीठ पर आए तो युद्ध में हानि होती है, भ्रम उत्पन्न होता है, पराजय होती है और यात्रा में नुकसान होता है। तो ये अश्वचक्र था जिसको हमने आपको बताया कि किस प्रकार से इनको देखा जाए।
अब इसी प्रकार से मातंग नायक गज चक्र की बात करते हैं, इसका उपयोग भी यात्रा एवं युद्ध में सफलता हेतु किया जाता था। इसमें हाथी के आकार का चित्र बनाकर उस पर 28 नक्षत्र रखे जाते हैं। अभिजीत नक्षत्र सहित अश्वनी से शुरू करें, गज चक्र में मुख पर स्थित ग्रह नक्षत्र से गिने, शनि जिस नक्षत्र पे हो, जिस अंग पर पड़े तद अनुसार फल समझे, यानी कि गोचर में शनि जहां पर है और गज के मुख से शुरू करना है, अश्वनी नक्षत्र रख करके सारे स्थापित कर देने हैं। तो इसका उपयोग भी राजाओं के अभिषेक, पटबन, युद्ध और यात्रा आदि में होता था। हाथी के आकार का एक चित्र लें और उस पे मुख पे 2 नक्षत्र रखें, सूंड पे 2 नक्षत्र रखें, नेत्रों पे 2 नक्षत्र रखें, कान पे 2 नक्षत्र, मस्तक पर 2 नक्षत्र और पैरों पे 2-2 नक्षत्र, यानी कि चारों पैरों पे 8 नक्षत्र, 2 पूंछ पर नक्षत्र रखें और 4 पीठ पर रखें। यदि कानों पर, पैरों पर, पूंछ, पीठ और पेट पर नक्षत्र पड़े तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर शनि इन नक्षत्र में पड़े तो मृत्यु और पराजय हो सकती है, ऐसा माना गया है। और मुख, सूंड, नेत्र और मस्तक पर अगर शनि आवे तो यात्रा सुखद रहती है, युद्ध में विजय प्राप्त होती है और कीर्ति बढ़ती है। तो ये गज चक्र था। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।